हेलो दोस्तों मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैरीके यूट्यूब चैनल पर जैसा कि आप देख सकते हैं हम बात कर रहे हैं आर एस अग्रवाल हिंदी वाली बुक के बारे में जिसमें हमारा चैप्टर है सरलीकरण और उसमें पार्ट पार्ट देख रहे हैं हम नंबर टेन स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर टेन जो कि क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट हो रहा है क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर वन देखिएगा जब एक गेंद कुछ ऊंचाई से गिरती है तो ये धरती से टकरा कर तीन भाग तक उछलती है यदि किसी गेंद को 32 मीटर ऊंचाई से गिराया जाता है तो अपने तीसरे उछाल में ये कितनी ऊंचाई तय करेगी तो सबसे पहले तो 32 मीटर ऊंचाई से फेंका है तो वापस कितनी ऊपर उठेगी तीन बटा चार तो ये लीजिए इसका तीन बटा चार आठ का तीन से चौबीस तो चौबीस मीटर ऊंची उठेगी तो चौबीस मीटर ऊंची उठेगी तो वापस चौबीस मीटर ऊंची उठकर नीचे ही गिरेगी और कितनी उठेगी वापस तीन बटा चार तो ये कितना है? छह का तीन से कितना अठारह फिर कितनी ऊपर जाएगी अठारह मीटर तो अठारह मीटर जाएगी तो हम देखेंगे कि तीसरी बार में तो अब अठारह मीटर ऊपर गई है तो अठारह मीटर नीचे ही जा रही है वापस तीन बटा चार उठेगी तो ये मैं देख सकता हूं दो और ये कितना नौ नौ का तीन से सत्ताईस और सत्ताइस बटा दो और सत्ताईस बटा दो मतलब साढ़े चौदह मीटर हम कह सकते हैं ठीक है चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 141 बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 142 के बारे में क्या कह रहा है 142 देखिए आपको कह रहा है एक विद्यार्थी को दो की घात पांच गुणा नौ का स्क्वायर लिखने को कहा गया और उसने गलती से लिख दिया कितना पच्चीस दो हजार पांच सौ तो इन दोनों में कितना अंतर है ये बताना है तो दो की घात पांच गुणा नौ का वर्ग लिखना था जबकि उसने लिख दिया दो हजार पांच सौ बराणु तो अंतर कितना है वही बताना है तो देख लेते हैं ये तो टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड नाइनटी टू है ही है ये कितना है दो का घात पांच कितनी होगी दो की घात पांच होती है बत्तीस नौ का वर्ग होता है इक्यासी बत्तीस और इक्यासी का गुणा कर लेते हैं क्योंकि ये डॉट का मतलब गुणा ही है ये दो ये तीन हो गया आठ का दो से सोलह और तीन कितना उन्नीस और आठ का तीन से चौबीस और एक कितना पच्चीस तो ये 2592 ही आ रहा है और वो भी 2592 ही है तो अंतर कितना है जीरो मतलब पहला ऑप्शन हमारा सही है बात करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 उसके बारे में 143 क्या कह रहा है एक व्यक्ति के पास ₹5 रुपे, ₹10 रुपे और ₹20 के नोटों के रूप में कुल धनराशि रुपए है प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या एक समान है तो उसके पास कुल कितने नोट है चलिए देख लेते हैं तो तीन तरह के नोट है हर एक नोट एक समान है तो माना x है पांच रुपए के नोट x ही है दस रुपए के नोट और x ही है बीस रुपए के नोट तो टोटल नोटों की संख्या तो हो गई थ्री एक्स तो एक्स का मान निकलेगा तीन से गुणा कर लेंगे तो हमें आंसर पता चल जाएगा चलिए देखते हैं तो टोटल धनराशि पंद्रह पिचहत्तर है तो इसका मतलब पांच रुपए के नोट एक्स है तो एक नोट की कीमत पांच रुपए है तो पांच x नोटों की कीमत पांच एक्स हो गई फिर एक नोट की कीमत दस रुपए है तो x नोटों की कीमत दस एक्स हो गई एक नोट की कीमत बीस रुपए है तो x नोटों की कीमत बीस एक्स हो गई और कुल मिलाकर ये जो कीमत हुई है ये बराबर किसके है पंद्रह सो पिचहत्तर के ठीक है यहां तक इनको ऐड कर लेते हैं बीस और दस तीस और ये पांच पैंतीस और ये पंद्रह सो पिचहत्तर अब अब इसको कैंसिल कर लेते कितना आ रहा है 35 से ही कर लेते हैं ये चला जाएगा 35 से अगर देखें तो कितना हो जाएगा ये सितर और एक सौ चालीस चार बार जा रहा है फिर एक सौ चालीस तो ये कितना रह जाएगा सत्रह और एक सौ पिचहत्तर है तो फिर ये चला जाएगा आपके कितना एक सौ चालीस और 35 करोगे ये पांच बार में चला जाएगा एक्स का मान आ गया पैतालीस तो पांच रुपए के नोट भी पैंतालीस है दस रुपए के नोट भी पैतालीस है और बीस रुपए के नोट भी पैतालीस है तो टोटल नोट कितने हो गए पैतालीस इंटू तीन चार तीन बारह और पांच तीन पंद्रह एक सौ पैंतीस नोट है इसका मतलब तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एक के बारे में क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 144 देखिए कुछ छात्रों ने एक पिकनिक मनाने की योजना बनाई इसमें भोजन पर पांच पांच हजार रुपए खर्च होने थे परंतु पांच विद्यार्थियों के ना जाने से प्रत्येक सदस्य पर पचास रुपए का अतिरिक्त खर्च बढ़ गया तो कितने छात्र पिकनिक पर गए ठीक है चलिए तो टोटल निकाल लेंगे उसमें से पांच कम कर लेंगे तो पिकनिक पर कितने गए वो तो पता चल जाएगा तो मान लेते हैं छात्र कितने थे जाने वाले एक्स इसमें भोजन पर पांच हजार रुपए खर्च होने थे तो इसका मतलब एक्स विद्यार्थी जा रहे थे टोटल पांच हजार रुपए लग रहे थे तो इसका मतलब हर एक विद्यार्थी कितने रुपए दे रहा था पांच हजार बटा एक्स अब आपको कह रहा है लेकिन पांच विद्यार्थियों ने जाने से मना कर दिया इसकी वजह से हर एक सदस्य का पचास रुपए अतिरिक्त खर्चा बढ़ गया तो इसका मतलब जितने जाने वाले थे उसमें से पांच लोगों ने मना कर दिया तो अब जाने वाले कितने हैं एक्स माइनस पांच और पैसे तो अभी भी पांच हजार ही लग रहे हैं तो यही पांच हजार अब इन लोगों को देने हैं उससे क्या हो रहा है कि पहले जितना हर एक विद्यार्थी दे रहा था उससे अब क्या हो रहा है पचास रुपए अधिक देने पड़ रहे हैं ठीक है तो ये अधिक देने पड़ रहे हैं अब हमें तो इसका मतलब मैं देख सकता हूं कि यहाँ पर सीधा सा हिसाब है कि टोटल पांच हजार का खर्चा हो रहा था एक्स विद्यार्थी थे तो हर एक विद्यार्थी इतने रुपए दे रहा था अब विद्यार्थियों की संख्या हो गई है पांच कम तो पैसे तो पांच हजार रुपए तो पांच हजार ही देने तो अब एक विद्यार्थी कितने दे रहा है पांच हजार बटा एक्स माइनस पांच तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या होगा अब ये जो अंतर आया है पचास अतिरिक्त खर्च का इसका मतलब अब ज्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं पहले से ये अंतर है किसके पचास रुपए के बराबर तो यहां से एक्स का मान हमें निकालना है जो कि हम निकाल लेते जीरो जीरो ये जीरो कैंसिल होगा पांच से इसको मैं कर लूंगा और पांच से ये भी हो जाएगा तो मैं देख सकता हूं ये हो गया हंड्रेड एक्स ये हो गया आपके ये हो गया हंड्रेड एक्स इसका करेंगे तो ये माइनस का हंड्रेड एक्स और ये कितना हो जाएगा तो ये एक्चुअल में x अपॉन करना था चलिए 5000 हजार है तो इसका हम करेंगे अगर x माइनस पांच है तो ये हुआ आपके एल्सियम लेना है फिर ठीक है चलिए तो ये हो गया हंड्रेड एक्स ये करेंगे तो एल्सियम हमारे पास आ रहा है x माइनस फाइव और ये x, बराबर में कुछ भी नहीं बचा मतलब एक बचा x माइनस फाइव से x माइनस फाइव गए x बचा x का इससे गुणा यही आया x x गया x माइनस फाइव बचा इससे गुणा करते हैं तो ये हो गया हंड्रेड एक्स और फिर ये गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये कितना पांच ये तो दोनों ऐड होकर जीरो हो गए कितना बचा यहां पर पांच बराबर में ये जो है ये उधर चला जाएगा एक से गुणा हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा ये पांच एक्स ठीक है चलिए अब दो तरीके हैं या तो ऑप्शन उठाकर हम यहाँ से आंसर निकाल लें लेकिन ऑप्शन जो है पिकनिक पर गए विद्यार्थियों का और एक्स जो है कुल विद्यार्थी आए हमारे सामने तो इसका मतलब जो भी यहां से ऑप्शन ले उसमें पांच और लेकर फिर एक्स का मान रखे जहां पर बराबर में पांच आ रहा है वो उत्तर हो जाएगा एक तरीका तो ये है नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि इसको हम सरल कर लें तो इसको अगर सरल करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स और ये माइनस का कितना फाइव हंड्रेड हो जाएगा ठीक है तो अब हम देख सकते हैं कि कितना मान आएगा यहां से अगर हम देखें तो गुणा करने पर माइनस के पांच सौ और जोड़ बाकी करने पर कितना होना चाहिए माइनस का पांच होना चाहिए तो ऐसा कर सकते हैं नहीं तो जैसा कि हमने देखा दस और ये हो जाएगा उससे भी लेकिन यहां से भी हम कर सकते हैं ऑप्शन से अगर देखें तो ऑप्शन अगर पहला लू पंद्रह तो पंद्रह अगर ऑप्शन लूंगा तो इसमें पांच और जोड़ूंगा तब कितना होगा बीस तो यहाँ बीस रखू तो बीस का स्क्वायर चार सौ होता है चार सौ में से और भी कुछ कम होगा पांच सौ तो नहीं आएगा तो पहला गलत है पच्चीस लू पच्चीस में पांच और जोड़ूंगा तो कितना होगा 30. 30 का स्क्वायर नौ सौ हो जाएगा बिल्कुल ठीक है फिर ये तीस इंटू पांच ये करूंगा तो कितना हो जाएगा आपके एक सौ पचास नौ सौ में से एक सौ पचास पांच सौ नहीं आएगा तो ये भी नहीं है ये बीस है तो पच्चीस लूंगा क्योंकि पांच और जोड़ने टोटल की बात हो रही है पच्चीस का वर्ग करूंगा तो ये छह सौ पच्चीस होगा और 25 का पांच से गुणा करूंगा तो 125 होगा, 625 में से 125 जाएगा, 500 आएगा इसका मतलब ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है क्योंकि 25 तो क्या हुए टोटल लेकिन पांच नहीं गए तो गए कितने 20 ऑप्शन से भी कर सकते हैं इसको आगे सरल करने की जरूरत नहीं है चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एक नंबर उसके बारे में 145 कह रहा है कि एक 80 मीटर ऊंचे गोल खम्बे पर एक बंदर एक मिनट में पांच मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में दो मीटर नीचे फिसल जाता है खंबे के ऊपरी सिरे पर पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा चलिए देख लेते हैं। तो 80 मीटर पूरा गोल खम्बा है पांच मीटर चढ़ता है एक मिनट में और दूसरे मिनट में दो मीटर फिसल जाता है तो पहले मिनट में तो पांच मीटर गया अगले मिनट में दो मीटर नीचे आ गया तो दो मिनट में कितना गया तीन मीटर ठीक है हमें पहुंचाना कहा है उसको इस तरह से अस्सी मीटर तक तो आप देख सकते हो लास्ट वाले में तो पांच मीटर वो आराम से चढ़ रहा है तो कुल मिलाकर तो आप ये देखिए कि तीन मीटर जाता है दो मिनट में तो एक मीटर जाएगा दो बटा तीन मिनट में इस तरीके से 75 मीटर तक पहुंचा देते हैं लास्ट वाले 5 मीटर में तो वो चढ़ जाएगा तो 75 मीटर कितने समय में जाएगा तो देख लेते हैं वो भी तो 75 मीटर में चला जाएगा 2/3 75 क्या ये कैंसिल हो रहा है बिल्कुल 25 इंटू दो 50 मिनट आ रहा है तो 75 मीटर चला गया 50 मिनट 75 क्यों 80 मीटर पहुंचाना है तो मीटर क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं इस तरह से क्योंकि लास्ट वाला जो एक है, उसमें तो पांच लेकिन पहुंचाना तो अस्सी है तो पांच मीटर और जाना है और पांच मीटर जाने में एक मिनट लगता है तो पचास और एक इक्यावन मिनट पहला ऑप्शन हमारा सही होगा चलिए बात करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक के बाद एक उसके बारे में क्वेश्चन नंबर 146 क्या कह रहा है देखिए गणतंत्र दिवस पर 450 बच्चों में एक समान मिठाई बांटी जानी थी ठीक है परंतु उस दिन 150 बच्चों की अनुपस्थिति रही जिसके कारण प्रत्येक बच्चे को तीन अतिरिक्त मिठाई मिली तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिली बताइए चलिए बच्चे कितने नहीं पता मान लेते हैं एक्स अब आपको कह रहा है कि गणतंत्र दिवस पर 450 बच्चों में एक समान मिठाई बांटी जानी थी तो टोटल है आपके पास बच्चे कितने 450 बच्चों में एक समान मिठाई अच्छा मिठाई कितनी है ये हमें नहीं पता है परंतु उस दिन 150 बच्चों की अनुपस्थिति थी चलिए तो मिठाई मान ली हमने कितनी है एक्स तो चार बच्चों में एक समान बांटते इसका मतलब हर एक बच्चे को इतनी मिलती डेढ़ सौ बच्चे अनुपस्थित रहने के कारण प्रत्येक बच्चे को तीन अतिरिक्त मिली तो मिठाई तो वही एक्स ही है लेकिन डेढ़ सौ बच्चे अनुपस्थित रहे तो बच्चे रहे कितने तीन सौ तो हर एक बच्चे को कितनी मिली इतनी तो इसका मतलब हर एक बच्चे को इतनी मिठाई मिली है इसका मतलब अब जो गैप आया है वो तीन अतिरिक्त मिठाई का है जैसा कि सवाल कह रहा है तो आपको कह रहा है प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिली वो हमें बताना है वो हम देख लेंगे अभी इसको सरल करते हैं पहले तो मैं यहां से देख सकता हूं कि इनका एलसीएम ले लूं तो कितना हो सकता है यही ले लेते हैं तीन और चार ठीक है ये गया तो 450x वो गया तो 300x ये बराबर तीन 450 में से 300 गया तो 150x ये कितना हो गया 300 और 450 ये बराबर किसके तीन के तीन से ये गया पांच बार ठीक है फिर और कुछ कैंसिल हो रहा है बिल्कुल हो रहा है ये गया पांच से ये गया नौ बार नौ का तीन से गुणा 27 ये 2700 सौ मिठाई आई हमारे पास मिठाई टोटल कितनी है सत्ताईस सो तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिली ठीक है तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिली तो मिठाई टोटल कितनी है सत्ताइसो डेढ़ सौ लोग अनुपस्थित थे तो तीन सौ थे तो हर एक को कितनी मिली हर एक को मिली आपके नौ मिठाई जो कि हम देख सकते हैं तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा और अगर यही अनुपस्थित नहीं होते तब पूछता तो कितनी होती सत्ताइस सौ बटा साढ़े चार सौ हो जाता उस समय चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक सौ छियालीस के बाद में 147 के बारे में क्या कह रहा है 147 देखिए एक वन में कुछ तोते हैं और कुछ बाघ है यदि इनकी कुल टांगे जो है 1746 है और कुछ सिर जो है आठ है तो तोतों की संख्या कितनी होगी ये हमें बताना है तो हमें पता है तोते जो हैं उनको x मान लेते हैं और जो बाघ है उनको हम मान लेते हैं y तो टोटल सर कितने हैं आठ सौ अट्ठावन एक्स प्लस वाई मिलाकर कितने हैं आठ सौ अट्ठावन क्योंकि हर जानवर का सर तो एक ही होगा फिर तोते की टांगे दो होती है तो एक्स तोते हैं तो कुल तोतों की टांगे टू एक्स हो गई बाघ हर एक बाघ की टांग चार होती है तो वाई बाघ है और हर एक की चार टांग होती है तो टोटल टांगे फोर वाई हो गई और इन सब की मिलाकर टांगे कितनी है सत्रह छियालीस दो कॉमन आ रहा है ले सकता हूं ले लिया यहां पर भी ये दो से कट जाएगा कॉमन लेने के बाद तो ये हो गया आठ सोलह सात चौदह और ये तीन अब हमें क्या निकालना है तोतों की संख्या मतलब एक्स निकालना है तो हम क्या करते हैं हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं एक्स माइनस एक्स जीरो टू वाई माइनस वाई वाई आठ सौ तिहत्तर में से आठ सौ अट्ठावन कम कर लेते हैं तो अट्ठावन और दो साठ हो जाएगा फिर ये हो जाएगा कितना पंद्रह तो वाई का मान आया पंद्रह मतलब बाघ आए हमारे पास पंद्रह लेकिन हमें तो तोते निकालने हैं तो टोटल आठ सौ अट्ठावन है आठ सौ अट्ठावन में से अगर पंद्रह बाघ है तो बाकी बचे हुए कौन है तोते ही है। तो आठ में से पांच तीन चार और ये आठ आठ सौ आएगा जो कि हम देख सकते हैं हमारा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा चलिए बात करते हैं एक सौ सैतालीस के बाद एक सौ अड़तालीस के बारे में क्या कह रहा है एक सौ अड़तालीस चार कैमरे और छह सेल फोनों की मूल्य इक्यावन हजार तीन सौ पैंसठ है चार कैमरे सेल फोन सेल फोन को मोबाइल बोल देते हैं एम से लिख लेते हैं चार कैमरे और छह मोबाइल इनकी कीमत है इक्यावन हजार तीन सौ पैंसठ रुपए आपको बारह कैमरे और आठ सेल फोनों का मूल्य बताना है बारह मतलब इसका तीन से आठ अठारह मतलब इसका भी तीन से तो तीन से गुणा कर लेते हैं इसका तो चार का तीन से बारह कैमरे हो गए छह का तीन से अठारह सेल फोन मतलब मोबाइल हो गए तो डेफिनेटली इधर तीन से हुआ है तो इधर भी गुणा किससे होगा तीन से पांच का तीन से पंद्रह छह का तीन से अठारह और एक कितना उन्नीस तीन का तीन से नौ और एक दस तीन का तीन एक से तीन और एक चार पाँच का तीन से पंद्रह 500 आ जाएगा 154095 154095 तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा बात करते हैं 148 के बाद में गुण 150 की क्या कह रहा है 149 देखो चॉइस बल्ले और 32 हॉकी स्टिक्स हैं जिनका मूल्य है 84 रुपए है तीन बल्ले और चार हॉकी स्टिक का मूल्य क्या होगा चॉइस बल्ले ये लीजिए बी 32 हॉकी स्टिक ये लीजिए एच इनका टोटल है एट फोर डबल जीरो हमें तीन बल्ले और चार हॉके स्टिक का मूल्य निकालना है तीन बल्ले और चार हॉके स्टिक्स तो आठ कॉमन ले सकता हूं मैं इसमें से तो आठ तीन चौस होता है और आठ चौक बत्तीस होता है और ये कितना है चौरासी सो तो हो गई तीन बल्ले और चार हॉकी स्टिक्स क्या आठ से ये कट रहा है बिल्कुल कट रहा है एक बार आठो पंजा चालीस और ये डेढ़ ठीक है अच्छा एक सेकेंड आठ से गया एक बार अब नहीं जाएगा फिर जाएगा पांच बार और ये जीरो तो एक हजार पचास रुपए मतलब तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा चलिए बात करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 के बाद में 151 को क्या कह रहा है आपको एक बटा दो और तीन बटा पांच के बीच निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या होगी सबसे पहली बात सारी परिमेय है ठीक है एक बटा दो का मान होता है आपके पॉइंट पांच तीन बटा पांच का मान होता है आपके पॉइंट कितना छ चलिए इनके बीच में कौन होगा तो दो बटा पांच का मान कितना होगा तो मैं देख सकता हूँ बीस होगा तो चार इनके बीच में आ रहा है बिल्कुल आ रहा है ये तो तो इसका मतलब पहला ऑप्शन ही हो गया क्योंकि इनके बीच की ही बात कर सॉरी इनके बीच में नहीं आ रहा है ये तो पॉइंट चार है इसका इससे भी कम हो गया तो ये नहीं होगा चार बटा सात को देख लेते हैं ये लीजिए चार बटा सात कितना होगा क्या ये होगा क्या नहीं क्योंकि एक बटा तीन पॉइंट तीन होता है तो दो बटा तीन तो पॉइंट छ हो गया यह भी नहीं है क्या ये होगा क्या नहीं ये पॉइंट तीन होता है तो फिर एक ही ऑप्शन बचा जो कि सेकंड ऑप्शन है उसको चेक भी नहीं करना है वही आपका उत्तर होगा क्योंकि ये पॉइंट छ है ये पॉइंट तीन है ये जो भी आएगा आएगा इनके बीच में चलिए वन के बाद बात करते हैं वन की क्या कह रहा है दो ऐसी संख्याएं जिनमें से पहली संख्या को दो बार और दूसरी संख्या को तीन बार जोड़े तो पहली संख्या हो गई मेरी x, दूसरी संख्या हो गई मेरी y। आपको कह रहा है पहली संख्या को दो बार और दूसरी संख्या को तीन बार जोड़े तो पहली संख्या को दो बार मतलब x प्लस एक्स टू एक्स दूसरी संख्या को तीन बार मतलब y प्लस वाई प्लस वाई मतलब थ्री वाई इनको जोड़ू तो क्या होता है सौ मिलता है ये लो मिल गया सौ फिर कह रहा है पहली संख्या को तीन बार और दूसरी को दो बार तो पहली संख्या x है तीन बार जोड़ूंगा तो x प्लस एक्स प्लस एक्स तीन एक्स दूसरी संख्या y है उसको दो बार जोड़ूंगा तो y प्लस वाई टू वाई तब ये योगफल मिलेगा ये योगफल कितना होगा आपके 120 होगा तो आपको पूछ रहा है कि बड़ी संख्या कौन सी है तो दोनों नंबर निकाल लेते तो दोनों नंबर निकालते हैं तो किसी एक के फैक्टर को समान कर लेते हैं तो हम एक्स को समान कर लेते हैं दो है तो इसको ये तीन है तो दो और तीन का एलसीएम छो हुआ तो, इसको बनाते हैं, तो तीन से गुणा करेंगे इसको दो से गुणा करेंगे ये हो गया कितना आपके सिक्स एक्स नाइन वाई और ये थ्री हंड्रेड ये होगा आपके सिक्स एक्स फोर वाई और ये आपके बारह का दो से ये 240। अब इसमें से इसको कम कर लेते हैं सिक्स एक्स में से सिक्स एक्स गया जीरो दो तीन सौ में से दो चालीस गया साठ वाई का मान आ गया बारह तो वाई आया है बारह एक्स कितना है वो भी देख लेते हैं ये y का मान इस समीकरण में या ऊपर वाली समीकरण में रख सकते हैं मैं नीचे वाली समीकरण में रख देता हूँ तीन एक्स प्लस टू वाई तो बारह इंटू टू ट्वेंटी फोर हो गया और ये वन ट्वेंटी तो थ्री एक्स हो गया एक सौ बीस में से चौस कम कर लो बन गया, कैंसिल हो रहा है थ्री और टू तो एक्स का मान आ गया बत्तीस तो एक्स का मान बत्तीस आ गया इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है क्योंकि बड़ी ही पूछी थी तो बड़ी बारह तो नहीं है बत्तीस ही होगी एक सौ बावन के बाद, बाद, बाद करते हैं एक सौ त्रेपन की क्या कह रहा है एक सौ त्रेपन किसी विद्यालय के सभी छात्रों को चौपन छात्रों की एक एक पंक्ति में खड़ा किए जाने पर तीस पंक्तियां बनती है तो टोटल कितने हो गए ये चौपन इंटू तीस आपको कह रहा है यदि उन्हें पैंतालीस छात्रों की एक एक पंक्ति में खड़ा किया जाए तो कितनी पंक्तियां बनेगी तो फोर्टी फाइव से डिवाइड कर देते हैं बस नौ से गया पांच नौ से गया छह पांच से गया ये कितना छ तो छह इंटू छतीस मतलब तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा ये था क्वेश्चन नंबर 153 बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 154 से हमारे नेक्स्ट पार्ट में थैंक यू सो मच प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी